थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे। सामने से हटो, सामने से। थोड़ा पास से करो, ये पास से करो, थोड़ा पास से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइफ न्यूज और मैं आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं विकास रावत। और फाइनली मैं पहुंचा हूं चेतकपुरी पे। यहां पे एक जिम की ओपनिंग की गई है और यहां पे हमारे बीच में सर भी मौजूद हैं, एडिसन साहब। और आज काफ़ी युवा यहां पे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये एक संदेश भी देता है युवाओं को, कहीं ना कहीं फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। और सर से मैं जानता हूँ, सर फिटनेस कितनी ज़रूरी है? सर देखिए, फ़िटनेस बेहद ज़रूरी है और इसलिए मैं बार बार ये लोग मुझे विजिट कराते हैं तो मैं आता हूँ। और यूथ काफ़ी एक्साइटेड है जिम में, काफ़ी फिजिकली वो काफ़ी, मैंने देखा ये मेरी 4th जिम है और इसमें निश्चित रूप से जिस तरह से लड़के काफ़ी मोटिवेटेड है और जिम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर योगा भी सिखाया जाता है, क्योंकि मेंटली आप फिट रहेंगे तो फिजिकली फिट आप, ये बड़ा माध्यम है योगा, तो मेंटली फिट करते हैं तो फिर आपको फिजिकली आपको फिटनेस बनाने में बहुत सहयोग मिलता है। एक अच्छी जिम है निश्चित रूप से और जिस तरह से यूथ यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, इन सभी को मोटिवेशन भी मिल रहा है। और इसके अलावा फिट रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी माइंड लिफ्ट्स इन हेल्दी बॉडी। अगर बॉडी स्वस्थ होगी तो फिर निश्चित रूप से आप बहुत बेहतर कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे। और आप देखेंगे जो लोग एक्सरसाइज करते हैं फिजिकली कुछ ना कुछ वो अलग ही देखते हैं, उनके वर्किंग में भी ये रिफ्लेक्ट होता है कि वो किस तरह के, मतलब वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी फिटनेस से जुड़े हुए हैं। और लोग इन्वेस्ट करते हैं कई चीज़ों में, कुछ पैसा कमाने के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। अगर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट फिजिकल फिटनेस को लेकर करते हैं तो उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, क्योंकि अंत में आप स्वयं ही खड़े रह जाएंगे और आप स्वयं अपने साथ खड़े होंगे। और फिटनेस से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप मेडिटेशन भी करते हैं और भी जैसे जैसे एज होती है, लाइफ के कई फेजेज आते हैं, आप कितने फिट हैं यही आपको आगे की जीवन की यात्रा के बारे में सुनिश्चित कर पाएगा। जैसा कि सर हम देख रहे हैं कि हमारे भारत से कई सारे लोग आज फिटनेस के मामले में बहुत आगे निकल रहे हैं। और सर कई सारे युवा हैं जो आज पढ़ाई करते करते आज अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं और एक बड़े स्तर पर कंपटीशन भी खेल रहे हैं। सर उनके लिए क्या मैसेज है? मैं यही कहूँगा कि जो भी काम करें बड़ी मेहनत से करें, लगन से करें। अगर आप जिम में हैं तो बिल्कुल माइंडसेट जिम का हो, फिर उसमें कहीं भी कॉलेज या स्टडी की बात ना सोचें। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज और स्कूल जाते हैं तो फिर केवल स्टडी की बात सोचें, जिम के बारे में ना सोचें। आप जहाँ हो वर्तमान में वहीं रहें तो निश्चित रूप से आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। जब आप कंसंट्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा। आज इग्नाइट जिम में मुझे विजिट कराई गई थी, मुझे इन्वाइट किया गया था। इनके 22 डेज़ में, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया, 150 इनके जो टीम मेंबर्स हो गए हैं इनकी जो फिटनेस क्लब में, तो इनके लिए काफ़ी खुशी का विषय है। तो इस समय इनके द्वारा बुलाया गया था। निश्चित रूप से इनके द्वारा ये बताया भी गया है कि एक स्विमिंग पूल भी ये प्लान कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से ग्वालियर में कहीं नहीं है। तो हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए और जितनी हम सुविधा देंगे जितना हम उनको फैसिलिटी देंगे, जिससे कि हम फिटनेस के लिए और बेहतर, फिजिकली जिम करने के लिए, फिटनेस बनाने के लिए और मोटिवेट हों। जो भी सुविधाएं लगती हैं वो हमें देना चाहिए और ये एक बड़ा अनूठा पहल होगी अगर ये स्विमिंग पूल को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो। जैसे कि हमारे बीच में बने हुए थे सर ने फिटनेस के बारे में बहुत ही एक यूनिक बताया और मेरे बीच में एक ट्रेनर भी जुड़ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं डिफरेंट मशीनें लेके आए हैं। ग्वालियर के अंदर बता रहे हैं कि पूरे ग्वालियर में वो मशीनें नहीं मिलेंगी और सर के यहाँ पे वो मशीनें मिलेगी। और सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक लाइफ न्यूज़ चैनल में। सर थोड़ा सा बताएं अपनी जिम की खास क्वालिटी, और कहीं ना कहीं आपने ओपनिंग की और 150 लोग आपसे जुड़ चुके हैं सर, इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जुड़ चुके हैं और ये चेतकपुरी है। थोड़ा सा बताएँ सर। मेन एरिया है हमारा सिटी सेंटर का, मेन कोच एरिया है सारा, जहाँ सारे अच्छे लोग आते हैं, अच्छा क्राउड है और सारी अच्छी मशीनें बाहर से लाए हैं। तो अच्छी मशीनें बताई दी आपको, वहाँ रखी हुई हैं। तो ऊपर भी अपना क्रॉसफिट है, हम लोग थोड़ा सा देसी टच में भी आए, हम लोग मुदगल भी है और रस्सी भी हमारे पास खींचने का है, तो हम लोग अखाड़ टच भी है उसमें, इंग्लिश के साथ देसी भी है। तो ये हाँ देसी है उसमें थोड़ा, जिसको देसी का मन होता है, कई लोगों का वो लोग नहीं जा पाते अखाड़े, तो कई लोगों का शौक होता है, तो हम लोग वो भी रखा हुआ है। तो इस चक्कर में ये इसकी कॉस्ट अगर कोई सीखना चाहता है और क्या किसी ऐसे कोई नॉर्मल फैमिली से भी बिलोंग करता है, उसके लिए क्या स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, या फिर देखा जाए हर कोई जिम के लिए कहीं ना कहीं एक्साइटेड होता है और गर्मियाँ फिर से चालू हो गई हैं और लोग इस टाइम अपने कॉलेजों से मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों से फ्री होते जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जिम ज्वाइन करना है, तो इसका फ़ीस क्या रखिए, मैक्सिमम फ़ीस कितने से स्टार्ट करते हैं? मैक्सिमम फ़ी 4500 है और स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिस्काउंट है इनमें। अभी 12th के एग्ज़ाम लड़कों के हुए हैं, तो अभी कुछ कभी लोग आएंगे, अप्रैल से स्टार्ट और अच्छे बैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए अलग से डिस्काउंट किया हुआ। सर इसमें बैचेस के टाइमिंग क्या है सर? मॉर्निंग 6 से 12 o'clock और इवनिंग में 5 से 1:30 बजे। जैसा कि क्या नाम है सर आपका? दीप जी हमारे बीच में जुड़े थे, उन्होंने बड़ी प्यारी सी जानकारी हमें दी और बड़ी प्यारी सी मशीन है वो लेके आए हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट है। जिस भी भाई को बॉडी बनाना है बिल्कुल यहाँ पे आएँ चेतकपुरी पे और जिस जिम से कांटेक्ट करें और ज्वाइन करें और बॉडी बनाएं। मेरा तो मन फाइनल है, मैं ज्वाइन करने वाला हूँ इस जिम को, तो आप भी ज्वाइन करें। बने रहिए आगे की अपडेट के लिए विकास रावत के साथ।